क्या हुआ? कहाँ पे? ओह माय गॉड, किधर? वो क्या हुआ? वो देखे नहीं बेटे, चोर नहीं लगी उसको। सुबह आम के आया, चोर नहीं बेटू, चोर नहीं लगी, चोर नहीं लगी, मट्टी थी, मट्टी थी लगी। हाँ जी, मट्टी चोर, वो मट्टी में गई होगी ना बेटे। ये डोर बंद रखो, ये देखो आपने खोला हुआ है, इन्होंने बाहर चले जाना है, फिर वो बिल्ली खा जाएगी। बिल्ली के लिए तो हमने केज बनाया इतना बड़ा, मानो बिल्ली खा जाती है ना, पता है ना पिछली दफा बेबी खा गई थी, बड़ी गंदी बच्ची है वो, कैटो। अब कैटो गंदी खा गई, अब बंद कर दिया ना हमने सारा केज, बंद कर दिया तो वो नहीं खा पाएगी, ठीक है ना? ठीक है सुमन। ले जी, आज बड़ी शानदार सुबह का आगाज हो गया जी। ग्रीन ग्रीन पौधे बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये ब्लू कलर हमने केज पे किया था, ये जो रंग बच गया था फिर हमने सोचा इस पे गेट पे कर देते हैं। तो ये ब्लू ब्लू कलर बड़ा ब्राइट सा लग रहा है, बड़ा खूबसूरत सा व्यू हुआ हुआ है। अपने रैबिट्स की खबर लेते हैं। रैबिट्स खा रहे हैं जी बड़े मज़े से, और इनके ऊपर जो पत्ते होते हैं यही खाते हैं ये, और दो तीन लगे हुए हैं खाने में, बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं, खाना काफ़ी खा चुके हैं ये। अब इनको डोर क्लोज करके बाहर निकालते हैं ताकि ये इनका खाना हज़म हो सके। इस तरह पड़े रहेंगे तो ये बीमार होंगे, इनको हज़म नहीं होगा क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनको बाहर निकालते हैं एक एक करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बाहर खेलो जाके। चलो जी चलो, ये माँ का फीड भी कर लेंगे, ये माँ की तरफ गए हैं सीधा, ये इनकी माँ है। सोए भी थे, ज़रा परेशान हो गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। चलो जी चलो जी, ये अब ये खेले कूदेंगे तो इनका खाना हजम हो जाएगा। ये माँ के पास सीधा चले गए, माँ इनको फीड करवाएगी। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा उछल कूद करो ताकि खाना हजम हो आपका और बीमार ना हो। खेलने कूदने से बच्चों की तरह इनको भूख लगेगी और खाएंगे ये। तो दिन में एक दफ़ा कम अज़ कम इनको बाहर ज़रूर निकालना चाहिए, वरना ये इनको बीमारी लगने का खदशा होगा। अभी ये शायद मेरे पीछे इधर आए, इनको मैं इधर जाता हूँ तो ये खेलने कूदेंगे। ये देखें, ये सारे बाहर निकाल दिए मैंने, माँ के पीछे जा रहे हैं फीड करने के लिए बार बार। ये ब्लैकी तो इधर जाती, इसीलिए हमने यहाँ पे ये बना दिया ना, जाली लगा दिया सारी मेरे बेटा। नहीं आ सकेगी, बिल्ली नहीं आएगी, बिल्ली नहीं आएगी, ठीक है? और बिल्ली आ भी नहीं सकेगी। हाँ जी, ये देखिए पत्ते खाते हैं, पत्ते ज़्यादा, ये पत्ते खाते हैं, देखिए ढूंढ रहा है पत्ते, जितने भी होंगे इस पे ये खाएगा, दूसरा इनसे अभी छोटे हैं नहीं खाया जाता। जिन लोगों ने खा लिया ज़्यादा वो अब भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। ये इनके माँ बाप रेस्ट कर रहे हैं। और बाबा मासने इसके लिए हमें तो इसका इनको था कि फेंकना पड़ेगा जी बेटे, सफाई भी करते हैं। हाँ जी ऐसा ही है, रोजाना सफाई भी करते हैं ना इनका, इनका गंद भी सारा उठाते हैं, इनकी सफाई भी करते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये सारे घूम फिर रहे हैं, फिर इधर मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं। जंपिंग करते हैं ना, शरारती होते हैं ना, जैसे आप शरारती हो ना उस तरह ये भी शरारती हैं, जंपिंग करते हैं। वही देखो, कोई भी आवाज़ आती है ना तो डर जाते हैं, ये देखो सारे डर गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं।
बच्चे जब पैदा हो तो पहले दिन से जब आप इनको अपने हाथों से फीड करवाते हैं तो ये फिर ये यूज्ड टू हो जाते हैं, डरते नहीं हैं। ये देखें ना, पास आ जाते हैं आपके, वरना ये यूज्ड टू ना हो तो फिर ये डर के भाग जाते हैं। अच्छा ये देखें, इसमें कुदरती सलाहियत होती है इनको खोदने की। ये देखें, ये बच्चा बड़ी स्पीड से खोद रहा है। अल्लाह ताला ने इनको कुदरती सलाहियत दी होती है कि इनको पता है खोद के नीचे जाना है। ये इनका बाप है, इसकी सफाई वगैरह कर रहा है। ये देखें, मुझे लगता है कि ये दोबारा ट्राई करेगी। बच्चा बड़ी स्पीड से खोदता है ये, अल्लाह ताला ने इनमें कुदरती सलाहियत दी होती है। ले जी, अब रैबिट के बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया है बाहर खेलते कूदते हुए, तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए हैं। तो अब हम इनको केज के अंदर बंद कर देते हैं ताकि ये दूसरी फीमेल खरगोश जो है ना, इन पे अटैक करती है कभी कभी। पास बैठे रहो तो नहीं करती, वरना इन पे ये अटैक करती है। ये देखें, आपने आपने देखा है ना इसको, ये अटैक करती है। माँ ऐसा नहीं करती, लेकिन दूसरी फीमेल ऐसा करती हैं, इसलिए हम इनको केज में बंद कर देते हैं वापस। अब इनको एक एक करके पकड़ते हैं और 11 पूरे करते हैं ताकि जो कोई रह गया कोई बाहर ना रह जाए। 2-3-4-5 देखिए मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, 7 काउंटिंग नहीं करेंगे तो एक आधा बाहर रह गया तो वो मर जाएगा, 8-9-10-11 जी ठीक है, पूरे हैं, मुकम्मल है। आ जा भाई, आ जा अपने केज में जाके खा। दस, और ये लास्ट वाला जी 11। आ जा भाई बाकी ना प्लीज। चलो अच्छा बच्चा, शरीफ आदमी है ये। चलो जी, अब इनके केज का ऊपर वाला जो कवर है इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं ताकि ये जंप लगा के बाहर भी ना आ सके। नहीं जी, मुलाकात होती है फिर कल इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।